हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के एग्रीगेट फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक इम्प्लॉयज का टेबल है, ये एक डमी टेबल है और इसके अंदर चार कॉलम्स आ रहे हैं, नेम, एज, जेंडर और सैलरी। अब मान लीजिए मैं इसमें से ये गेट करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में कितने इम्प्लॉयज हैं, मतलब कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं उनके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है काउंट। ये देखिए, काउंट को लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉलम का नेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, जो हमारे कॉलम का नेम है। उसके बाद ये फंक्शन जो हमारे को रिटर्न करेगा, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करेगा कि इस कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, और वो जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे ये हमारे को वो रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कॉलम है सैलरी का। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मैक्स। ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है और इसके अंदर यहाँ पर हम कॉलम नेम की जगह पे पास कर देंगे सैलरी वाला कॉलम का नेम। तो ये हमारे को मैक्सिमम सैलरी जो है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सरिता कुमारी, इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे को वो रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। और इसी की जगह अगर हम मिनिमम सैलरी देखना चाहते हैं कि किसकी सबसे कम सैलरी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है जिसका नाम है मिन। मिन के अंदर यहाँ पर आपको कॉलम का नेम देना होगा जो कि है सैलरी, तो ये हमारे को मिनिमम सैलरी रिटर्न कर देगा। और अगर हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि हम टोटल कितनी सैलरी हर मंथ एम्प्लॉयज को देते हैं, तो उसके लिए हम सैलरी जो हमारा कॉलम है उसका टोटल का सम करेंगे। तो उसका सम करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं सम, और यहाँ पर हम कॉलम की नेम की जगह पे पास कर देंगे अपना सैलरी वाला कॉलम, तो ये हमारे को टोटल, मतलब कि जो पूरा रोज का टोटल है वो हमारे को रिटर्न कर देगा। और अगर मान लीजिए, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी जो जितनी भी सैलरी जा रही है उसका एवरेज क्या है, हम कितनी एवरेज सैलरी दे रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए भी हमारे पास फंक्शन आता है, उसका नाम है एवीजी। एवीजी मतलब एवरेज, और यहाँ पर भी हम कॉलम का नेम पास करेंगे जो कि है सैलरी, तो ये हमारे को एवरेज सैलरी रिटर्न कर देगा। ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और उसमें से हमें ये चेक करना है कि कितने मैक्सिमम, किस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, तो मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। मिनिमम भी वैसे ही चेक कर सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनको सेलेक्ट कमांड के साथ हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका एक सिंटेक्स है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हमारे को यहाँ पे देना है जो भी एग्रीगेट का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए काउंट है, फिर राउंड ब्रेसेस लगा के जिस कॉलम पे भी आप काउंट करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम, फिर टेबल का नेम। और इसके बाद हम अगर कोई कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी कंडीशन दे देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सम फंक्शन का सिंटेक्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बस सेलेक्ट के बाद आपको लिखना है सम, बाकी सब कुछ चीज़ें वही रहेंगी जो आपने ऊपर लिखी हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम चेंज करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जितने भी हमारे एग्रीगेट के फंक्शंस हैं उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि जितने भी ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं हम इनको किस तरह अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, MySQL के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें सबसे पहले एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे MySQL वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया MySQL वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे सामने SQL एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास एक टेबल आ रहा है जिसका नाम है पर्सनल, जिसको हमने अपने पिछले कई वीडियोज में यूज किया है। इसका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं और इसी टेबल के अंदर हमने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम है परसेंटेज। यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज भी आ रही है जिसको हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला हम फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है काउंट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार की जगह पे लिखना है काउंट और इसके बाद जिस कॉलम से आप काउंट करना चाहते हैं उसका नेम देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हमारा एक कॉलम का नेम है नेम, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए नेम, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, फिर टेबल का नेम जो कि है पर्सनल। अब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सारे रिकॉर्ड्स को ही चेक करना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 7। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं 7। हम यही सेम रिजल्ट यहाँ पे नेम की जगह पे स्टार लगा के भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार। अब यहाँ पे स्टार का मतलब ही यही है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। ये देखिए, इसने काउंट किया स्टार को और मिला इसे 7। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि हमारे जो कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं वो किस किस सिटी से आते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पे अलग अलग सिटीज आ रहे हैं। कोई आगरा से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है,
अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ किस अलग अलग कितने सिटी से स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर काउंट की जगह पे लिख दूंगा, चार की जगह पे डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट किस लिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये यूनिक पहले सिटीज निकालेगा फिर उसके बाद उसको काउंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं, थ्री, मतलब कि तीन अलग अलग सिटीज से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ देखिए जो भी हम यहाँ पे क्वेरी चला रहे हैं सीक्वल की, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर कॉलम का कोई प्रॉपर नेम नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, अगर आप इसको प्रॉपर एक नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ए एस। ए एस का मतलब होता है अलाइज, मतलब कि आप इसको कोई एक टेम्परेरी नेम दे रहे हैं इस कॉलम को। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे काउंट, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, टोटल काउंट कुछ भी। और ये देखिए अब यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है काउंट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने यहाँ पे यूज़ किया है ए एस, ए एस मतलब अलाइज। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है मैक्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने एक जो कॉलम नया बनाया परसेंटेज, यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज आ रही है। अब मैं इसमें से ये देखना चाहता हूँ किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है मैक्स, और यहाँ पर आके मेरे को अपने कॉलम का नेम देना है जो कि है परसेंटेज, और यहाँ पे एज में मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ये देखिए फ्रॉम टेबल का नेम पर्सनल आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, और ये देखिए जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है 74%। मैं आपको यहाँ पे चेक भी कराता हूँ, यहाँ देखिए जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो है 74 हाईएस्ट, बाकी सब उससे कम है। और इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मिन, मिन मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे मैंने मिन लिखा और यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आ गए 45%। मैं आपको यहाँ पे चेक भी कराता हूँ, यहाँ देखिए सबसे कम राम कुमार के हैं 45%, बाकी सब उससे ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि ये परसेंटेज किसकी हैं, तो अगर मैं वो नाम भी देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज के बाद यहाँ पे कोमा देके दूसरे कॉलम का नेम दे दूंगा, जैसे कि नेम। मैं कोई और भी कॉलम ले सकता हूँ जैसे सिटी। ये देखिए अब ये मेरे को तीन कॉलम रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहे हैं इसके 45, और यहाँ पे उसका सिटी भी दिख रहा है। तो इस तरह आप कोमा डाल के जितने मर्जी कॉलम्स के नेम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है सम। तो देखिए यहाँ पर अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने मार्क्स, मतलब कि कितने परसेंट सिक्योर किए हैं। यहाँ पर वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मगर जस्ट मैं आपको यहाँ पे फंक्शन चेक करा रहा हूँ सम का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सम, और सम किसका, परसेंटेज वाले कॉलम का। तो यहाँ पे मैंने मैसेज भी चेंज कर दिया कॉलम का, टोटल। ये देखिए कॉलम का नेम बन जाएगा टोटल, फिर उसके नेम भी दिखाएगा और सिटी। तो नेम और सिटी की खैर जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेरे को टोटल ही देखना है, नेम तो दिखेगा भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे टोटल परसेंटेज आ गई 400%, मतलब कि अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 400। और इसी तरह अगर मैं एवरेज देखना चाहता हूँ, मतलब कि जितने स्टूडेंट की अलग अलग परसेंटेज आ रही है तो एवरेज क्या बन रही है सभी स्टूडेंट के मार्क्स की, उसके लिए मैं यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है AVG। और यहाँ पे भी मैसेज चेंज कर देता हूँ एवरेज, ये देखिए फ्रॉम टेबल नेम पर्सनल। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए जो यहाँ पे एवरेज बन के आ रही है वो है 57.1429। तो ये थे हमारे पांच अलग अलग एग्रीगेट फंक्शंस जिसको हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।